नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो एटॉमिक फोर्स है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास ए दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, परमाणु की आपसी टक्कर पर या नाभिकीय विखंडन पर। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है परमाणु बल के सिद्धांत यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन पर, जो परमाणु बल है वो एटॉमिक फोर्स है वो आधारित होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन ए है आपके पास सिर्फ गैस में, बी सिर्फ ठोस में, सी सिर्फ द्रव में, या तीनों माध्यम में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे आपने तैयारी कर रखी, आपकी तैयारी आप चेक कर सकते हैं 20 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन क्वेश्चन दो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सिर्फ ठोस में, यानी और अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो सिर्फ ठोस के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग है वो किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव में, ऑप्शन सी है गैस में, या तीनों माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंग है वो किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी तीनों माध्यम में, ठोस प्लस द्रव प्लस गैस तीनों माध्यम में ये उत्पन्न की जा सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है विकिरण। आपको बताना है सूर्य एवं तारों से प्राप्त प्रकाश एवं ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्य बना होता है मुख्यतः हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, या ए बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों से जो सूर्य है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके पास सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल, वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जूल, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो है जूल। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज एक कोस्ट गार्ड, नाविक, डीवी, जीडी या नेवी, एयरफोर्स, किसी की भी आप तैयारी कर रहे सकते हैं, कर रहे हैं आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज है जो इनके आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने परसेंट का? 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट आपको तब मिलेंगे तब आप यहाँ पर प्रजापत 50 कोड यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लिंक है, यानी जो आपको लिंक है टेस्ट सीरीज की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोई भी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आप जो स्टडी लेवल है वो यहाँ पर चेक हो जाता है कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, इसको कहाँ तक आपको लेकर जाना है। तो आप जाइए और परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप प्रजापत 50 कोड लगाकर वहाँ पर 50% का डिस्काउंट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ताप का एसआई मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन आपके पास केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। तो फ्रेंड्स, जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी है फर्मी, ऑप्शन डी है ओटोहन। आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले बनाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, एमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर या मैनोमीटर। आपको बताना है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर ऑप्शन
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। ऑप्शन है आपके पास संवेग त्वरण बल, ऑप्शन बी है विस्थापन भार विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है किस समूह की सभी राशियां सदिश है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। इसमें जो राशियां दी गई है संवेग त्वरण बल विस्थापन भार विद्युत धारा विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियां हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस समूह की सभी राशियां अदिश है। आपको बताना है किस समूह की सभी राशियां अदिश है। ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है यहाँ पर समय चाल द्रव्यमान, ऑप्शन बी है ताप दाब ऊर्जा, ऑप्शन सी है आयतन घनत्व कार्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, समय चाल द्रव्यमान ताप दाब ऊर्जा आयतन घनत्व, ये सभी अदिश राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? सभी अदिश राशियां हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्ती का मात्रक है। ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी है हर्ट्ज सेकंड, ऑप्शन डी है किलो हर्ट्ज सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक है वो है हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में या गैस में, द्रव में या इन तीनों में। आपको बताना है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग, यानी सबसे ज्यादा वेग होता है ठोस में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि परासर्वे तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति परिसर यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट ताप मापियों के मान एक समान होते हैं। क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट ताप मापियों के मान एक समान होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यानी 39 डिग्री सेल्सियस, या -40 डिग्री सेल्सियस, या 49 डिग्री सेल्सियस, या 98.6 फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फारेनहाइट। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 40 -40 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मानव शरीर का ताप होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि मानव शरीर का ताप कितना होता है। आपको बता दूं ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 99.6 डिग्री फारेनहाइट, या ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन ए है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका 4 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपको बताना है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 6,400 किलोमीटर पर सेकेंड, या 332 मीटर पर सेकेंड, या 764 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकेंड शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास 9.46 × 10^15 मीटर, या ऑप्शन बी है 8.46 × 10^15 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9.46 × 10^9 मीटर, या ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दोनों।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व का गुण यानी प्रत्येक वस्तु में होता है या किसी किसी वस्तु में होता है या किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है, आपको बताना है जड़त्व का गुण। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का नियम। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।